कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप फिट एंड फाइन होंगे। मैं हूँ मीतू राठौर और आप देख रहे हैं रिशेप बाई मीतू। अभी हो रहा है सुबह के 9:30 और अभी मेरी मॉर्निंग ड्रिंक हो रही है क्योंकि आज मैं 9 बजे तक सोती रही, किसी ने मुझे उठाया नहीं, तो 9 बजे अपने आप ही उठी थी। रात में मैंने सीरीज देखी थी तो लेट सोई थी, तो मेरी अपने आप आँख खुली नहीं। और अलार्म आजकल बंद चल रहा है क्योंकि छुट्टियाँ चल रही हैं। तो अभी हम ले रहे हैं अदरक और तुलसी और लौंग का पानी, या फिर से चाय कह लीजिए। इसको सिप सिप करके पीना चाहिए जिससे पूरा गला सिकता हुआ जाए अंदर तक और हमारी बॉडी भी अच्छे से डिटॉक्स हो जाए। तो मैं लेती हूँ ये अपना मॉर्निंग ड्रिंक और मिलूंगी आपसे नेक्स्ट मील पे ब्रेकफास्ट के टाइम। गाइस अभी हो रहा है 10:30 और इस बहुत शोर। तो गाइस अभी हो रहा है 10:30 और हमेशा की तरह सेम मैं ब्रेकफास्ट कर रही हूँ। ब्रेकफास्ट में मैंने एक गिलास दूध लिया है, साथ में अपना प्रोटीन लड्डू लिया है। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और साथ में लिया है पपाया। तो यही मेरा आज का ब्रेकफास्ट होने वाला है। और सर्दियों में जो चीज़ खाने वाली होती है उसको सर्दियों में ज़रूर खाएं, जैसे कि लड्डू वगैरह जो ड्राई फ्रूट्स के होते हैं या तिल के लड्डू होते हैं, इस तरीके के मिक्स सीड्स के लड्डू होते हैं, ये अपनी सर्दियों में एक एक लेते रहें। इससे सर्दियों में जो बेनिफिट मिलते हैं वो सर्दियों में ही मिलेंगे। आप इनको गर्मियों में ज़्यादा नहीं खा सकते हैं, कभी कभार एक ही खा पाएंगे, लेकिन सर्दियों में आप इसे डेली खा सकते हैं। तो आप एक लड्डू ज़रूर ले लें। और अभी मैं अपना ये ब्रेकफास्ट कंप्लीट करती हूँ और थोड़ी देर में आपसे मिलूँगी नेक्स्ट मील के टाइम पे। तब देखते हैं हम अपनी नेक्स्ट मील में क्या देते हैं। गाइज आज का भी लंच है हमारा बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। मैंने मेथी आलू की भुजिया बनवाई थी, साथ ही बाजरे की रोटी ली है। अगर भूख लगेगी तो एक रोटी और ले लूँगी क्योंकि मैं ब्रेकफास्ट में ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं ले रही, तो मैं ब्रेकफास्ट मैं अपने लंच के टाइम पे 2 रोटी खा सकती हूँ। साथ ही मैंने यहाँ पे बथुआ का रायता लिया है और साथ में थोड़ी सी बूंदी डाल ली है और एक प्याज लिया। यही हमारा ज़बरदस्त सर्दियों वाला लंच होने वाला है और गर्म गर्म खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो मैं बिना देर किए अपना लंच स्टार्ट करती हूँ क्योंकि आज मैंने कोई रेसिपी तो दिखाई नहीं है। तो पहले अपना लंच कर लूँ फिर देखते हैं आज कुछ नया बना के जाऊँ, क्योंकि कल मुझे घर के लिए निकलना है। तो कल का तो देखते हैं कैसे सूट होता है, पहले आज अपना कंप्लीट करते हैं। बहुत अच्छे से दिन पूरा 10,000 स्टेप भी करेंगे। और सोच रही हूँ शाम तक अपने भाई के लिए कुछ लड्डू वगैरह और बना के रखूँ, तो उसकी रेसिपी दिखा दूँगी, तो थोड़ा सा वीडियो भी ठीक हो जाएगा। चलिए आप भी करिए लंच, मैं भी करती हूँ। अभी हो रहा है हमारी चाय का टाइम और अभी हो रहा है 4:30। तो मैंने बनाई है अदरक इलायची गुड़ वाली चाय, साथ में लिया है एक टोस्ट। और ओहो बहुत शोर होता है यहाँ पे। तो गाइस मैंने लिया है चाय और एक टोस्ट और यही मेरी शाम की मील होने वाली है। मैं चाय में बस यही ले रही हूँ और अदरक इलायची की चाय तो सभी बना लेते हैं, लेकिन गुड़ की चाय सब लोगों की नहीं बनती है, फट जाती है। तो मेरे चैनल पे उसका पूरा रेसिपी पड़ा हुआ है, तो आप वहाँ से देख लें और लिंक भी मेरे डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। तो गाइस मैं करती हूँ अपनी चाय इन्जॉय क्योंकि ठंडी हो जाएगी, बात करूँगी ज़्यादा तो, और मिलती हूँ। आज मैं थोड़ा लेट ले रही, 7 बजने वाले हैं और वैसे मैं 7 बजे से पहले ले ही लेती हूँ। तो आज घर पे है लास्ट दिन, तो मैंने सोचा आज पार्टी कर ली जाए, थोड़ी सी कुछ अच्छा खा लिया जाए। इतने दिन से मैंने बिल्कुल स्ट्रिक्ट डाइट पर ही रही हूँ घर पे, ना कुछ बाहर से मंगा के खाया ना ही घर पे जो बन रहा था उनमें से कुछ खाया। तो मैंने यहाँ पे आलू और बथुआ का पिट्ठी बनाया है जिसका मैं पराठा बनाने वाली हूँ। और नॉर्मल आटा गूंदा है क्योंकि हम आटे में बथुआ मिलाना भूल गए थे, तो हमने वो बथुआ हमने अपने आलूओं में मिला लिया। तो आलू और बथुआ के पराठे बनाने वाले हैं और जल्दी से बनाते हैं और अपना डिनर करते हैं। चलिए गाइस कैसे हैं आप सब लोग? अभी हो रहा है हमारे डिनर का टाइम और डिनर में आज हो रही है पार्टी, यानी कि चीट मील। चीट मील मेरी है आलू और बथुआ के पराठे। बाहर से कुछ चीट मील करने से अच्छा आप इस तरीके की चीज़ें घर में खा के, जो आप काफ़ी टाइम से घर में नहीं खा पा रहे थे, वो सब खा के अपनी चीट मील को
मतलब रिप्लेस कर सकते हैं, जैसे कि बाहर कुछ भी ना खाएं और आपका काफ़ी दिनों से जैसे आलू का पराठा खाने का मन हो, या किसी और का पराठा खाने का मन हुआ, या फिर कोई अच्छा सा पास्ता खाने का मन हुआ, तो होममेड पास्ता बनाए, होममेड चाउमीन वगैरह है, और ये सारे सब चीज़ों को आप घर पे बना के चीट मील में खाएं। जैसे आप 7-8 दिन बहुत अच्छे से अगर आपने डाइटिंग कर ली तो शाम को एक बार आप या किसी भी टाइम जिस टाइम भी आपको खाने का मन आ रहा हो उस टाइम आप अपनी पसंद का खाना खा सकते हैं, जिससे क्या हुआ कि आप नेक्स्ट जो एक हफ्ते के लिए आप तैयार हो जाएंगे। तो मैं अभी ये खा लूँगी क्योंकि घर पे लास्ट दिन था, और तो मैंने सोचा खा ही लेती हूँ, घर पे मैंने अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं खाया है। तो अब जल्दी से हम अपना ये डिनर कम्प्लीट करते हैं, और ये बहुत ही टेस्टी होते हैं, और कभी कभी मिलते हैं तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। और मेरी जर्नी आपको पसंद आ रही है तो आप प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें, और बगल में जो बेल आइकन है उसे क्लिक कर देंगे तो आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे। सबसे ऊपर वाला जो ऑल का बटन है आप उस पर क्लिक करेंगे तो मेरी वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। और कल हम अपना वेट अपडेट करेंगे क्योंकि घर जा रही हूँ, तो कल देखती हूँ कि मेरा वेट अपडेट क्या है, क्योंकि जिस टाइम मैं आई थी उस समय था 61, मैंने आते ही देखा था, तो काफ़ी दिनों से चीट मील और बहुत सारी 1-1.5 हफ्ते से कुछ नहीं हो रहा था, तो 61 पहुंच चुका था। अभी हम कल देखते हैं कि कल हमारा क्या वेट है, फिर उसके बाद नेक्स्ट जर्नी हम बरेली में स्टार्ट करेंगे। बाय बाय एंड टेक केयर।